हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सुनील प्लस रिया ब्लॉग्स। और देखिए आज हम लोग पूरे फैमिली रावल किला से जा रहे हैं। देखिए ऋषि भी रेडी, देखिए सामान सब रेडी है और हम लोग अभी जा रहे हैं। सामान वगैरह देखिए सब पैक है, ऑटो भी बुला लिए हैं। देखिए सामान सब लेके जा रहे हैं अभी ट्रेन में बैठ के। नहीं छोटा वाला रीना का जो है, और ट्रेन लेट है अभी। ट्रेन लेट है अभी तो 4 घंटा, 4.5 घंटा लेट है। देखिए रिशु पैसा डाल रहा है, जो मिलता है रिशु सब मेरा पॉकेट में दे रहा है। देखिए ऑटो बाहर में लगा हुआ, कितना धूप है। देखिए 4 बजने वाला है और यहाँ इतना धूप है। रीना जी भी रेडी हो रहे हैं, कुछ ना लेट हो गया है, मार्केट चले गए थे तो। और देखिए छोटा बाबू भी सो के अभी जस्ट उठा है, रात भर खेलता है, दिन में सोता है, अभी जगा हुआ। देखिए खेल रहा है, ये भी नया कपड़ा पहन लिया है और दादी घर जाने के लिए रेडी हो गया है सिक्किम। तो अभी हम लोग सिक्किम जाएंगे और आप लोग को जितना हो पाएगा ट्रेन में रास्ता में ब्लॉग बनाएंगे, दिखाएंगे आप लोग को, अपडेट करेंगे। तो तब तक ब्लॉग पे बने रहिए और अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए रीना जी को दक्षिणा मिल रहा है, ले गए बाबू, जब गाड़ी खोलेंगे ना बाबू गाँव छोड़ेंगे। देखिए सानू नानी के छोड़ के जा रहा है। नींद टूट गया इसको क्या बाबू? चलिए चलिए पानी पी लीजिए। और देखिए रिशु तो पूरा खुश है जाने के लिए, और टेम्पो भी आके लगा हुआ है। अभी हम लोग जाएंगे। रिशु क्या लिया है? डेयरी मिल्क। देखिए ऑटो है, पीछे सारा सामान रखा गया है, 1, 2, 3 और एक और छोटा है हैंड बैग, 4। इधर खुला ही है चेन, 4 हो गया। तो अभी हम लोग जस्ट अब बैठने वाले हैं, रीना जी भी निकल रहे हैं। देखिए और इसे खुश है, गाड़ी बैठ चुका है। देखिए ऑटो में लोग सामान सब बैठ चुके हैं और ऑटो में स्टेशन पे आ चुके हैं और बहुत लेट हो गया आने में, क्योंकि घर से निकलने में रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, जिसके कारण से टाइमली पहुंचे। जैसे पहुंचे स्टेशन पे अनाउंस भी हो गया और देखिए ट्रेन भी आ रही है। देखिए ट्रेन भी जस्ट आ ही गया है, जो कि हम लोग बैठेंगे इसमें। हम लोग के बैठने के बाद जैसे आप लोग मिलेंगे ट्रेन। आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण से रख रहे हैं। फ्रेंड अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। देखिए सानू भी सो गया है और उधर ऋषि भी बैठा हुआ है। हाँ ट्रेन हो गया, ट्रेन तो थोड़ा लेट था लेकिन टाइम से बैठ गए हम लोग। और अब देखिए कब तक पहुँचते हैं, खराब हो जाएगा कपड़ा खोले तो गर्मी बहुत है, इसीलिए सानू का कपड़ा खोल के उसको हाफ पहना दिया और रिशु का भी कपड़ा खोल के उसको हाफ पहना दिया।
और देखिए सबको नानी कैसे कपड़ा मिला है, नया नया सब पहना हुआ है, इनका भी नया है, दोनों बाबू का भी है और मेरा भी है, लेकिन मेरा मतलब ये थोड़ा कंफर्टेबल है इसीलिए मैं ये पहनी हूँ और मैं रख रही हूँ उसको, सिक्किम में जाके पहले उसको पहनी हूँ। रिशु भी अपना खोल कर रख दिया है, वो खोल गर्मी है ना, गर्मी के कारण सब खोल कर रख दिया है, रिशु खोल कर रख दिया है, घर का ही ड्रेस हाफ पहना है। और ट्रेन भी बहुत भीड़ है और ट्रेन 5 घंटा लेट है, 5 घंटा लेट है, हम लोग सुबह जो 5 बजे ट्रेन पहुंचने वाला था, अब पता नहीं 12-1 बजे का पहुंचने जाएगा और घर पहुंचते मतलब सिक्किम पहुंचते 4:30 हो जाएगा, 4-5 तो बच ही जाएगा, वो भी अपडेट करेंगे कब पहुंचेंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को सिक्किम पहुंच जाने के बाद फिर आप लोग को दिखाएंगे और फिर सिक्किम से हम लोग का ब्लॉग मिलेगा, नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे फिर। फ्रेंड देखिए हम लोग अभी 2 दिन का सफ़र तय करके हम लोग आ रहे हैं, रावल किला से NJP जा रहे हैं और देखिए हम लोग का ट्रेन 18 घंटा लेट है। अभी हम लोग बारसू स्टेशन के पास पहुंचे हैं, देखिए ये देख रहे हैं बारसू स्टेशन है, अभी यहां से NJP जाने में भी हम लोग को 2 घंटा लगेगा। और देखिए बाबू भी खेल रहा है, छोटा बाबू, और एक बड़ा बाबू देखिए ये भी सो रहा है, 1 घंटा सो रहा है क्योंकि थक गया है, 2 दिन से हम लोग खाना पीना ढंग से नहीं खा पाए, ट्रेन का खाना और बाहर के खाना में अभी तक है। जो ट्रेन सुबह पहुंचना चाहिए था NJP वो रात को 8 बजे पहुंचेगा, तो हम लोग ट्रेन लेट है जिसके कारण बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ गया, खाना पीना और ये गर्मी के मौसम में घर का खाना तो रात में खा गए थे और जो अभी बचा दिन का IRCTC के खाना खाए हैं, उसके बाद फिर जो आता है बेचने वाला वही सब खाना खा के अभी रह रहे हैं। और हम लोग अभी NJP 8 बजे पहुँचेंगे, उसके बाद पता नहीं सिक्किम का गाड़ी फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि स्टेशन पर ही रात गुजरेगा, हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कैसा अभी सिचुएशन है, अभी पता नहीं। अभी चल देखिए ट्रेन अभी यहाँ से बाप से खुल चुकी है, अभी यहाँ से 2 घंटा कम से कम लगेगा, 2-2.5 घंटा लगेगा अभी NJP पहुँचने में, तो ब्लॉग भी बने रहिए और हम लोग का संघर्ष देखिए घर जाने का अभी चालू है, पता नहीं आगे क्या होता है, पहुँचते हैं मुझे पता नहीं, बहुत गर्मी है। सिक्किम में तो इतना गर्मी नहीं होगा, सिक्किम में तो ठंडा ही होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा, इधर ज़्यादा है। सिक्किम में इतना गर्मी नहीं होगा, सिक्किम में ठंडी होगा, इससे कुछ कम ही होगा गर्मी। ये देखिए हम लोग का ट्रेन कैसे घूम के जा रहा है, देखिए अभी बाहर से पार करने के बाद है इतना सीन, और देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस भी जा रहा है साथ में, सीख रहा है चलाने के लिए, इतना धीरे चल रहा है। बाबू दिन में बोला था इतना धीरे धीरे पापा ट्रेन चला, लगता है ड्राइवर अंकल सीख रहा है क्या चलाने के लिए, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ इतना धीरे लग रहा है कि ड्राइवर सीख ही रहा है। देखिए फ्रेंड सानू है पापा के गोदी में, खिड़की में हवा खा रहा है और इधर बाबू सोया हुआ है, बड़ा बाबू मतलब रिशु सोया है और उधर सानू एंजॉय कर रहा है, अभी एंजॉय क्या करेगा बेचारा, इतना लेट सफ़र में तो भी परेशान हो गया होगा, अभी सोया हुआ था तो उठ गया है। बहुत गर्मी है, देखिए मक्का का खेत है, मक्का का खेत है, देखिए मक्का कितना, बारसू स्टेशन के बाद है ये, बारसू स्टेशन के बाद का नज़ारा है, देखिए कितना कितना है, बहुत मक्का हुआ है और बहुत तेज़ धूप भी है, बहुत गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है।
पर शानू का मतलब पेट भीग गया था, इसलिए पापा गोदी में खिड़की साइड बैठा हुआ है थोड़ा धूप खाने के लिए। देखिए खेल रहा है, अब पता नहीं घर कब पहुंचेगा। अभी तक तो हमको परेशान नहीं किया है, ज़्यादातर सो के और जब उठ रहा है तो खेल ही रहा है, ज़्यादा रो नहीं रहा है अभी, मतलब ज़्यादा क्या रो ही नहीं रहा है, ज़्यादातर सोया है। हाँ रिशु तो बेचारा वो तो अब थोड़ा बड़ा हो गया है, उतना परेशान नहीं करता है, खाना पीना जो आता है वो जो मांगा मिल गया शांत होता है, खाता है रहता है, पानी लेकिन बहुत पीता है, गर्मी है भी तो। और शानू भी अभी सो के उठा हो गया उसका एक डेढ़ घंटा, खेल ही रहा है तब से, तो अभी उसको दे दिए थोड़ा खिड़की के पास। इतना स्लो मतलब ना बाइक भी इससे ज़्यादा स्पीड दौड़ेगा, कसम बता रहे चलेगा। हाँ मतलब बाइक में हम लोग पहुँच जाते, देखिए फ्रेंड कितना स्लो चल रहा है, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना स्लो ट्रेन है। एक तो लेट हो गया है ट्रेन और ऊपर से लेट पे ही लेट किए जा रहा है। इसका ड्राइवर सीख रहा है चलावे ला, इतना धीरे धीरे ड्राइवर का सीख रहा है का। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे ड्राइवर सीख रहा है, इतना स्लो मोशन में एकदम चला रहा है। मैनेज कहीं कहीं जहाँ पे नहीं अथी रहता ना वहाँ कहीं कहीं मैनेज करना चाहिए, लेकिन मैनेज नहीं कर रहा है, बल्कि और लेट पे लेट ही कर रहा है। देखिए इधर रिशु उठ गया सो के बेचारा, फ्रेंड अभी हम लोग एमजीबी पहुंचने वाले हैं, अभी 7:30 हो चुका है और देखते हैं यहाँ से टैक्सी मिलता है कि नहीं मिलता है। सामान अगर सब रेडी कर लिए हैं, इधर भी इधर रिशु भी रेडी है और अभी हम लोग उतरेंगे एमजीबी और उसके बाद फिर देखते हैं क्या आगे होता है, क्या करना है। फ्रेंड देखिए हम लोग उतर गए, बाबू भी यही ट्रेन है जिससे हम लोग अभी उतरे हैं। चार सामान है, चारों उतार लिए, अभी देखते हैं यहाँ से बाहर निकल के क्या करते हैं, गाड़ी मिलता है नहीं मिलता है, नहीं तो रात कैसे कटेगा समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं जाके स्टेशन से बाहर। हम लोग एनजेपी से टैक्सी रिजर्व करके हम लोग रामपुर जा रहे हैं, अभी हम लोग होटल में पहुँचे हुए, खाना खा लिए, ये गाड़ी देखिए और रिशु रास्ता में क्या उल्टी क्या किए थे उल्टी। हाँ अभी हम लोग खाना खा लिए, अभी हम लोग यहाँ से बहुत उल्टी दिए हैं, सुबह पियेंगे। हाँ सुबह पियेंगे, बहुत ही कम समय में हम लोग पहुँचने वाले हैं, 20 से 25 मिनट में क्या रिश्व। तो हम लोग पूछे नहीं रास्ते में कितना किलोमीटर, तो हम लोग मिलेंगे घर जाने के बाद। और देखिए बाबू लोग रीना जी, इनका भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, गाड़ी में सो रहे हैं और बाबू भी रो रहा है। फिलहाल मिलेंगे हम लोग क्या रिशु घर पहुंचने के बाद। तो फाइनली फ्रेंड तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर में और अभी तो हम लोग फ्रेश होके सोएंगे। रात को 12 बज चुका है, हम लोग आने बहुत टाइम हुआ, टाइम लगा और लेट भी हुआ बहुत, ट्रेन 18 घंटा लेट था, कमाख्या कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन से हम लोग आए। तो अभी फाइनली हम लोग घर में आ गए हैं, ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए हैं और अभी रात को 12 बज चुका है। देखिए सानू रात में भी खेल रहा है, ये देखिए सोने नहीं देगा, तो फाइनली अब हम लोग सोएंगे क्योंकि दो दिन से सोए हैं तो सो जाता है। हाँ क्योंकि हम लोग दो दिन से हम लोग भी नहीं सोए हैं और नहीं अच्छा से खाना पीना खा पाए थे, आते टाइम हम लोग होटल में रिशु हम लोग खाना खा लिए और मस्त हम लोग अब सोएंगे सुबह तक, कल ड्यूटी भी नहीं जाना है, कल रेस्ट करेंगे दोनों को। हम तो 6 बजे तक सोते रहे, हम लोग सब लेट से कल उठेंगे पापा। तो फ्रेंड अभी अब रखते हैं, ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप लोग सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू।